में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से एक तरफा जीत रही है और जीतने के बाद हमारी सरकार सुशासन देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक गारंटी योजना लाई जाएगी, जो गारंटी दी गई है उसे पूरा किया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वो तो उन्होंने 2 अक्टूबर घोषणा कर ली खोलने की, गांधी वादी का पिछड़ी को लागत से बनी शानदार, उसको बंद कर रखा था। धरना अनाउंस करते ही जो रेस्पॉन्स मिला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश से लोग आ रहे थे धरने के अंदर। और ये जो घोषणा हुई गवर्नमेंट की, ये जो जन भावना थी उसको देखते ही उन्होंने घोषणा करी है 2 अक्टूबर खोलने की। पहले ही खोल देते इसको तो नौबत ही नहीं आती। अब तो क्या हो, तो हमारी जो गांधी दर्शन समिति है उसने कल फैसला दे लिया गांधीवाद तरीके से कि भाई अब कोई जरूरत नहीं है, अब इनको हम लोग मॉनिटर करेंगे क्या 2 अक्टूबर में क्या करते हैं। कांग्रेस भारी बहुमत जीत रही है, एक तरफा जीत हो रही है और गुड गवर्नेंस देगी, यहाँ सरकार बनेगी, वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लाई जाएगी, गारंटी दी गई पूरा करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगी।